हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज के वीडियो में होगी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले, रिसेंटली ही अमेजोन का मेकअप ब्यूटी स्किन केयर बॉडी केयर हॉल किया था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था बायोडर्मा मैसेलर वाटर यानी कि मेकअप रिमूवर। एंड ये अमेजोन पे 5-star रेटिंग जिसके रिव्यूज़ है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। एंड उसके बाद Amazon से मैंने कुछ essentials ऑर्डर किए हैं, कुछ आउटफिट्स भी है। सबसे पहले बायोडर्मा का ये मैसेलर वाटर यानी कि मेकअप रिमूवर वाटर को मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाती हूँ एंड उसके बाद हम देखेंगे डेमो। सो ये है सेंसीबायो HTO मैसेलर वाटर। ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है सेंसिटिव एंड एलर्जिक स्किन के लिए। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे स्किन से इम्प्योरिटीज जैसे कि मेकअप के फाइन पार्टिकल्स एंड सब कुछ रिमूव करता है एंड उसे ज़रा भी ड्राई नहीं होने देता है। और इसका जो डर्मेटोलॉजिकल फॉर्मूला है एंड ऑप्थमोलॉजिकल यानी कि आँखों के एक्सपर्ट्स ने भी इसे अप्रूव किया है। तो आपको फेस को वॉश किए बगैर आप अच्छे से आपके फेस का मेकअप आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने सबसे छोटा बॉटल ऑर्डर किया है एंड आप उसकी साइज़ देख सकते हैं। ये बिल्कुल आप देखोगे तो पानी की तरह ही है, पर बहुत ही अच्छे से फेस पर जो भी मेकअप डर्ट इम्प्योरिटीज़ है वो क्लीन करता है। अब देख लेते हैं हम डेमो। सबसे पहले मैं एक कॉटन पैड पे एक ही साइड पे जो मेकअप है वो रिमूव करूँगी ताकि हमें पता चले कि ये कैसा रिमूव कर रहा है। देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ एंड फटाफट मेकअप रिमूव हो रहा है। तो 99% जितना मेकअप आपका ये रिमूव कर देगा, 98% जितना फाइन पार्टिकल्स रिमूव कर देगा और 78% तक जो भी हैवी मेटल एंड जो भी पोल्यूशन डर्ट हमारे फेस पे फ्री रेडिकल्स उड़ते हैं वातावरण से, उसे भी ये क्लीन कर देगा। ऐसा ये लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, मैं अब मेरे फेस के सेकेंड साइड पर भी मेकअप रिमूव कर रही हूँ एंड ये मेकअप रिमूविंग पैड को आप देख सकते हो पूरा भर चुका है मेकअप से। सो आपने देखा बायोडर्मा मैसेलर वाटर मेकअप रिमूवर का डेमो एंड आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लियर है। जैसे कि मैंने फेस वॉश किया हो, मुझे कहीं से भी कोई स्ट्रेची ईची फीलिंग नहीं आ रही है। वरना विंटर सीजन में तो आप सोच सकते हो मेरी स्किन तो ना सहारा डेजर्ट की जितनी ड्राई होती है, तो मुझे ना कहीं पे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। कई बार ना ऐसे कोई मैसेलर वाटर के बाद ना आपकी स्किन डल हो जाती है, तो यहाँ पर तो उल्टा है, थोड़ा सा देखो ग्लो भी कर रही है एंड इतनी आसानी से एंड इतना आप हल्के हल्के हाथों से कर रहे हो मेकअप रिमूव एंड देखो इतना सारा आपका मेकअप इसने रिमूव कर दिया। मतलब ओ माय गॉड, सेंसिटिव स्किन जिनकी भी है मेरी तरह, मतलब उसको ना इतनी जल्दी सनबर्न हो जाता है, इतनी जल्दी एलर्जी हो जाती है, इतनी जल्दी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। वैसे लोगों के लिए तो मतलब ये वाला मैसेलर वाटर मैं रेकमेंड करूँगी बायोडर्मा का। साथ साथ में आप देखो कि ये जो क्लेम करता है कि 98% जितना मेकअप रिमूव कर देता है, तो देखो ये बिल्कुल सही है। फेस वॉश करने की भी ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं लग रही है, इतना अच्छे से मेकअप रिमूव किया है। कई बार क्या होता है कि जो वाटरप्रूफ मस्कारा काजल ये सब ना कहीं कहीं स्लाइटली रह जाता है, पर इसने तो ना बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया। इतना कुछ मैंने अप्लाई किया था पर ये देखिए मेरी नेचुरल स्किन ये वापस आ गई, मैं खुद सरप्राइज हूँ। हालांकि मुझे था कि ये इतना ज़्यादा लोगों को क्यों हल्ला मचाया हुआ है, ऐसा तो भाई क्या इसके अंदर है। मैंने बोला चलो बिल्कुल ब्लैंक होके यूज़ करते हैं, फिर जो आएगा मेरे मन में जो फील आएगा एक्सपीरियंस करूँगी तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। पर भाई ये तो सच में जो इतने सारे यूट्यूबर्स एंड ब्यूटी ब्लॉगर्स जो इसके बारे में मतलब तारीफ़ें करते थकते रही हैं, तो सच में इसके बारे में तो तारीफ़ें
मतलब जितनी करे उतनी कम ही है। अमेज़ॉन पे मैंने आपको बताया कि ये 5 स्टार रेटिंग इसके रिव्यू है। पहला तो ये है कि ये पैराबिन फ्री है, इसमें ऑयल नहीं है, तो जिनकी भी एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने जो भी मतलब हमारी स्किन में ना 500 प्रॉब्लम होती है उनको तो ये बेस्ट है, प्लस पैराबिन नहीं है तो सबसे बेस्ट बात है। दूसरा ये है कि सेंसिटिव स्किन वाले को तो यही यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर लगेगा पर थोड़े से पैसे जमा करके आप अच्छे से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। स्पेशली आँखों का जो मेकअप हम रिमूव करते हैं ना, तो आँखों में कई बार यू नो चला जाता है, जैसा इरिटेशन होता है, और जो मैसेला वाटर्स की बात करूँ तो, पर मुझे इसमें पता ही नहीं चला कि मैं आँखों का मेकअप वाइप कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है, सेंसिटिव आइज हैं, सेंसिटिव स्किन है, उनको डेफिनेटली मैं ये रेकमेंड करूँगी। ये स्पॉन्सर नहीं है, खुद से ख़रीदा हुआ है एंड मैं आप तक ये रिव्यू एंड डेमो पहुँचा रही हूँ। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो ये था मेरा बायोडर्मा मिसेलर वाटर का रिव्यू एंड डेमो, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अमेज़ॉन का मेरा एसेंशियल्स एंड आउटफिट्स हॉल की तरफ। तो भाई अमेज़ॉन पे स्टार्ट हो चुका है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 17 to 20 January, और मैंने ऑर्डर किए हैं कुछ एसेंशियल्स जो कुछ इस बॉक्स में मैंने रखे हैं, जिसमें से पहला है, ये बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र है, एंड ये है हिमालया प्योर हैंड्स ऑरेंज हैंड सैनिटाइज़र, जिसकी फ्रेग्रेंस हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी रिफ्रेशिंग है, एंड सैनिटाइज तो भाई अच्छे से करता ही है, तो और तो कुछ इसमें देखने समझने वाली बात है नहीं, हम सब यूज़ करते हैं तो हम जानते ही हैं इसके क्या है फ़ायदे। एंड जब से कोविड की फर्स्ट यू नो केस आई थी, तब से लेके जब तक ज़ीरो हो जाए तब तक हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, सैनिटाइज करनी है, मास्क पहनना है, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो पहला प्रोडक्ट है ये हिमालया का सैनिटाइज़र, ऑरेंज इसका फ्रेग्रेंस है। अभी इससे तो हाथ पोछने का हो गया, पर हर जगह पे ना आप जेल नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ये सेवलॉन का सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। जैसे कि आप बाहर से आए तो आपके घर के हैंडल्स है, फिर आप खुद हो क्योंकि हर बार आप नहा नहीं सकते हो, आपका व्हीकल है या कोई और चीज़ आप बाहर से लाए हो, जैसे कि ऐसा कोई भी बॉक्स आता है कुरियर में, तो ये सब चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए ना वो जेल नहीं चलता है, तो इसके लिए मैंने ना ये स्प्रेयर मंगाया है ताकि आप स्प्रे कर दो उस पर और उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे मामा मतलब मेरे फैमिली में ही अभी कोविड पॉजिटिव है, तो उनको अलग से रखा गया है एक और हमारा जो घर है वहाँ पे, एंड वो अकेले ही रहते हैं, तो उनको मैं खाना देने जाती हूँ, उनकी दवाइयाँ ये वो सब करने जाती हूँ, तो मैं डबल मास्किंग करती हूँ, ग्लव्स पहनती हूँ, एंड जैसे ही उनको चीज़ें दे देती हूँ तो मैं यू नो खुद पर कपड़ों पे, मेरे स्लिंग बैग पे, मेरे फ़ोन पे, मेरी चाबी पे, मेरे व्हीकल पे, सब पे मैं ये स्प्रे कर देती हूँ, एंड फिर ये वाले जेल्स तो है ही है, तो मतलब ये अभी इतने ज़्यादा ज़रूरी हो गई है ना ये चीज़ें, तो मतलब एक तो कम ही पड़ेगी, तो मैंने दूसरा भी ऑर्डर कर दिया, डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये देखिए अब दो है, दोनों ही काम आते हैं, पर अमेज़ॉन से मैंने इसलिए मंगवाया कि अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको ये चीज़ें मिल जाती है। हेयर से रिलेटेड दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, और ये है ट्रेसमे स्मूथ एंड शाइन शैम्पू। ये देखिए काफ़ी बड़ा ये पैकेजिंग है, मैं इसका 580 ml है, तो ये ना अभी हमारे घर में हम सबको सूट कर गया है नॉर्मल टू ऑयली हेयर के लिए, तो जिनको हेयर पे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम मीडियम जिनका कामकाज है, तो उनके लिए ये मैं रेकमेंड करूँगी। बहुत ही सिंपल सा है और इसके ऊपर पंप भी है, तो आप ये चला लो, हमने पिछले पूरे साल ये यूज़ किया, ये ख़त्म होने को आया, तो मैंने अमेज़ॉन से मंगा लिया, काफ़ी अच्छे डील्स एंड डिस्काउंट्स में ऑर्डर किया। उसके बाद तो भाई ग्रे हेयर की समस्या सबको ये शुरू हो ही चुकी है, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है सबको, तो मैंने ये हेयर कलर ऑर्डर किया है, ये दो के पैकिंग में था तो अच्छे डील पे था, गार्नियर कलर नेचुरल्स, और मेरा जो हेयर कलर है ये है डार्केस्ट ब्राउन। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने कुछ टॉप्स ऑर्डर किए हैं। देखिए सबसे पहला जो है इतना फ्लोरल एंड स्प्रिंग एंड समर वाइब्स देता है, हालांकि अभी तो विंटर है, बट मुझे ना देखते ही ये प्रिंट बहुत पसंद आ गया, कलर पसंद आ गया। तो ये टॉप मैंने ऑर्डर किया, देखिए बहुत ही गर्ली है ना, एंड प्रिंट्स ना बहुत बड़े एंड लाउड नहीं है, एंड ऐसा कलर ना मेरे पास था नहीं,
एंड पता है मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा इसके साथ ना, ये मैचिंग मास्क मिला है एंड आई एम सो सो हैप्पी, क्योंकि अभी ना मुझे डबल मास्किंग करना पड़ रहा है, तो मैं अंदर ना ऐसा क्लॉथ का मास्क लगाती हूँ, मैं ऊपर N95 लगाती हूँ, तो मुझे ना ये बिल्कुल मैचिंग मिला है, तो यार मतलब हम तो मतलब खुशी हो जाते हैं। तो देखिए, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, देखो इसका कवरेज है तो प्रॉपरली आपको ये मतलब कवरेज देगा एंड प्रोटेक्शन देगा। इलास्टिक भी इसका बहुत ही स्मूथ एंड अच्छा है, वरना कोई कोई इलास्टिक तो लगते हैं आपको लिटरली कानों में, जितने मास्क है उतने कम है। तो ये मेरा पहला टॉप है जो मुझे बहुत क्यूट एंड गर्ली लगा। सेकेंड जो मैंने एक टॉप ऑर्डर किया, ये होजियर ही मटीरियल है, तो देखिए ये सिंपल सा टॉप है और बहुत ही अच्छा सा, मतलब समर में बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब विंटर में भी काफ़ी थिक है, अच्छा है। और यहाँ पे स्लीव्स पे ना ये ऐसी डिज़ाइन दी गई है, तो इससे ये थोड़ा सा और स्टाइलिश बनता है। बाकी बिल्कुल सॉलिड है, कुछ कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, बट मुझे ना ये स्लीव्स थोड़े से डिफरेंट लगे। नेक्स्ट मैंने ये जो टॉप ऑर्डर किया है, ये मुझे शायद रेयन या सिंथेटिक मटेरियल लग रहा है, बट अगेन ये वाला कलर मेरे पास नहीं था, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। और इसके स्लीव्स थोड़े से ऐसे फ्रिल्स है, बाकी सॉलिड है, और गले पे आप ये टाई कर सकते हो, तो एक बो जैसा बन जाएगा आपका यहाँ पे। एक बिगिनर्स के लिए ब्रा, या फिर आप कह सकते हो कि इनर वेयर, मैंने मेरी डॉटर के लिए ऑर्डर किया, तो मैंने ना मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था, अब इन लोगों ने डबल एक्सेल भेज दिया है, बट ये मैं दिखाती हूँ आपको एक बार ओपन करके। बहुत ही सिंपल सा है और उसमें कोई भी मतलब ये नहीं है बक्कल वक्कल या अलग नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ऐसे टॉप की तरह बस पहन ही लेना है। एंड ये तो यार बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आई होप कि इसको ये वाला फिट हो जाए, पता नहीं अब डबल एक्सेल है तो क्या है मामला, पर ठीक है चलो मैं चेक करती हूँ एक बार कि क्या होता है साइज़ का। बाकी मुझे ये पसंद तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब इससे स्मूथ मैंने आज तक कोई चीज़ टच नहीं करी है, ट्रस्ट मी। एंड आगे से ना बहुत ही हल्की सी पैडिंग भी नहीं कहोगे, सिर्फ ना एक क्लोथ का उन्होंने लेयर किया हुआ है, और एक वाइट है और एक ये ऑफ वाइट है। चलिए भाई, ये था मेरा अमेज़ॉन का एसेंशियल्स एंड कुछ आउटफिट्स एंड टॉप्स का हॉल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड मैं सारे लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप प्लीज़ डिस्काउंट्स का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड आपके जो भी कॉमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, मुझे प्लीज़ प्लीज़ भेजते रहना। एंड करंटली आपके कौन से एसेंशियल्स हैं जो आप उसके बगैर अभी नहीं रह सकते हो, वो भी मुझे बताते रहना। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।